नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31S। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह से गेमिंग को हैंडल करता है, किस तरह से जो हाई हैंड गेम्स हैं वो प्ले करता है और इसकी बैटरी ड्रेन कैसी होती है गेमिंग के दौरान और जो ये फ़ोन है ओवर हीट होता है कि नहीं, हम वो सब चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें बता दें कि आपको यहाँ पे एक्सिनोस 9611 का यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है जो 2.3 GHz ऑक्टा कोर होता है और यहाँ पे आपको GPU मिलती है माली जो G72 है। तो गेमिंग के मामले में कोई मतलब परेशानी नहीं होगी जब आप इसमें गेम खेलोगे। तो हम चेक करेंगे पबजी खेल के इसमें कि किस तरह से जो फ़ोन है परफॉर्म करता है और ये ओवरहीट होता है तो किस तरह होता है और इसकी जो बैटरी ड्रेन होती है वो किस तरह से होती है। दोस्तों गेम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप जैसे सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे ग्राफिक्स जो है मैंने यहाँ पे HDR पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो HDR पे रखा हुआ है और जो फ्रेम रेट है वो मैंने अल्ट्रा रखा हुआ है जो हाईएस्ट है और मैंने स्टाइल रियलिस्टिक रखा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑडियो की, तो ऑडियो मैंने यहाँ पे अल्ट्रा रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने सेटिंग्स रखी हुई है, हमें चेक करना है कि ये किस तरह से हाइट सेटिंग पे भी जो फ़ोन है परफॉर्म करता है। आप यहाँ पे अब टाइम देख सकते हो, टाइम आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1:47, मतलब 1:47 हुआ है और यहाँ पे बैटरी लेवल है 60%। तो 1:47 और 60%, तो यहाँ पे हम चालू करेंगे गेम खेलना और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इसका टेम्परेचर आगे से और पीछे से। 35.1 है और सामने 35.9 है।
तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने गेम खेला है और जो बैटरी परसेंटेज थी लास्ट टाइम वो थी 60%, और अब जाके जो हुई है बैटरी परसेंट वो 52%, मतलब 8% कम हुई है। और जो टाइम था वो 1:47 था 147, और अभी हुए हैं 2:24, मतलब करीबन 13:24, मतलब 37 मिनट्स हमने प्ले किया है और उसमें हमने 8% जो है बैटरी लॉस की है, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा खेला है हमने और 8% लॉस हुई बैटरी। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे अब फिलहाल, तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो बैक है 39.4 है और फ्रंट में 41.2 है। तो इस तरह से बैक थोड़ा हीटअप होता है, लेकिन इतना भी हीटअप नहीं होता कि आप उसे पकड़ ना पाओ और गेम ना खेल पाओ। नॉर्मल वार्म होता है, ज़्यादा हॉट नहीं होता है। और हम देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है कितने समय में नॉर्मल होता है। तो दोस्तों गेम खेल के हमें 5 मिनट हुए हैं, 37 और 37.4। तो 5 मिनट के बाद जो टेम्परेचर था 41 से उतर कर अभी आया है 37 पे, जो काफ़ी नॉर्मल है। अगर बैक की बात करेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई हीट या वार्म नहीं लग रहा है, लेकिन आगे में थोड़ा वार्म है, लेकिन अब ये नॉर्मल हो जाएगा 1-2 मिनट में। इसके पहले मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इसमें मैंने जो सेटिंग थी वो अल्ट्रा, इसमें जो मैंने सेटिंग थी वो HDR रखी थी, और मैंने जो फ्रेम रेट था वो काफ़ी अल्ट्रा हाई रखा हुआ था मैक्सिमम, और इसमें जो क्वालिटी थी ऑडियो क्वालिटी वो भी हाई रखी हुई थी। तो इन सेटिंग्स को रखते हुए आपने देखा कि 37 मिनट्स में 8% जो बैटरी है डाउन हुई थी, तो ये काफ़ी अच्छा है। बैटरी की बात करेंगे क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों इस तरह से जो M31S है गेमिंग को परफॉर्म करता है। हालांकि मैंने फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पे फील किए थे जब मैं खेल रहा था। और ग्राफिक्स की बात करेंगे, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, तो आपको जो ग्राफिक्स है काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आप हाई सेटिंग रख के खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो फ्रेम रेट है ड्रॉप्स होते दिखाई देगा, आप महसूस करोगे, फील करोगे जब आप खेलोगे। लेकिन HDR पे मैंने खेला और फ्रेम रेट को हाई रखा तो फिर भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई खेलते हुए। तो आप अच्छी तरह से कोई भी गेम हो आप इस फ़ोन पर खेल सकते हो। मैंने हालांकि मैं ज़्यादा पबजी खेलता नहीं हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ, लेकिन मुझे ट्राई करना था कि किस तरह से हाई फ्रेम रेट पे और HDR पे ये जो गेम में परफॉर्म करता है। एक दो जगह पे मुझे ऐसा लगा कि फ्रेम रेट ड्रॉप्स हुआ है, लेकिन बाकी सब इसमें अच्छा था। आप अच्छी तरह से इस फ़ोन में गेम खेल सकते हो। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।